हॅलो फ्रेंड्स, सो आज मी तुमच्यासाठी पावभाजी ही प्रसिद्ध मुंबई डिश घेऊन आलो आहे आणि मी तुम्हाला ते बनवण्याची सोपी पद्धत दाखवतो। सो आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन हमने मराठी में दिया है क्योंकि पावभाजी मुंबई की बहुत ही फेमस डिश है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने वेजिटेबल्स को कुक कर लेना है, तो उसके लिए एक प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल और 25 ग्राम बटर को गरम करना है, और जब वो अच्छे से गरम हो जाए उसमें 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स डालना है, और उसके क्रैकल होते ही उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाल देंगे। हल्का सा सौते कर लेने के बाद इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। सबसे पहले टमाटर, फिर आलू डाल देंगे, और आलू के बाद सारी की सारी सब्जियां रफली चॉप्ड हैं, तो फिर थोड़ी सी गाजर, बीट रूट और हरी मटर डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालकर इसको हम हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। लास्टली इसमें 500 ml वाटर ऐड करके इसको 7 से 8 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में पकाएंगे। जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक हम एक दूसरे पैन में पानी उबाल लेंगे, और पानी के उबल जाने के बाद उसमें हम 150 ग्राम्स कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी डाल देंगे, और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। कॉलीफ्लावर को अलग से पकाने का रीज़न ये है कि कॉलीफ्लावर का जो एक स्मेल होता है वो कभी कभी पाव भाजी में आ जाता है, जिसकी वजह से भाजी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सारी की सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं, तो इस टाइम पर हम थोड़ा सा जो कॉलीफ्लावर है उसको हम कुकर में मिक्स कर देंगे, और उसके बाद सभी चीज़ों को एक मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल और 50 ग्राम्स बटर लेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज के अनियन और 1 बड़े साइज का कैप्सिकम दोनों को फाइनली चॉप करके डाल देंगे। 30 सेकेंड तक हाई फ्लेम पर सौते कर लेने के बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबलस्पून स्पाइसी रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला और 1/2 टीस्पून शक्कर डाल देंगे। साथ ही साथ 3/4 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर भी डाल देंगे, और इन सभी चीजों को लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौते कर लेंगे। थोड़ी देर सौते कर लेने के बाद इसमें हम 5 से 6 चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल देंगे, और उसके साथ ही साथ 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हमें तब तक सौते करना है जब तक कि मसालों से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती, और मसालों को जलने से बचाने के लिए इसमें हम 100 ml वाटर भी ऐड कर देंगे, और बिकॉज हमें इसे खुले में ही पकाना है, इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हमने 50 ml की जगह 100 ml वाटर लिया हुआ है। तो इस मसाले को हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि अनियंस और कैप्सिकम है वो अच्छे से पक नहीं जाते। इसी टाइम पर इसमें हम 1 नींबू का रस और चॉप कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो प्रॉपरली कुक हो चुका है, बिकॉज जो तेल है वो सरफेस पर आ चुका है। तो इस टाइम पर जो हम लोगों की वेजिटेबल जो हम लोगों ने कुक की हुई थी, मैश की हुई थी, उनको इस मसाले के साथ ऐड कर लेंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो एक बार फिर से सभी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लें, सो दैट हम लोगों का जो एक परफेक्ट टेक्सचर होता है पाव भाजी का वो हमें मिल जाएगा। भाजी काफ़ी थिक दिख रही है, तो हम इसमें हॉट वाटर ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज जो मुंबई स्टाइल भाजी होती है वो थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी की होती है, बहुत ज़्यादा थिक साइड पे नहीं होती है। तो पानी डालने के बाद जो भाजी है वो अभी पक चुकी है, तो इस टाइम पर इसमें हम 50 ग्राम्स बटर और डाल देंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा और चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर देंगे। तो
तो लीजिए, हमारी भाजी जो है वो एकदम रेडी हो गई है। इसको हम गर्मा गर्म पाव के साथ सर्व करेंगे। तो एक पैन को हम पहले गर्म करके उसके ऊपर एक मॉडरेट अमाउंट बटर का अप्लाई करेंगे। फिर एक टेबलस्पून भाजी डालकर और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करके अपने पाव उसके ऊपर रख देंगे और फिर पाव को अच्छे से सेक लेंगे। पाव एक साइड से जब अच्छे से सेक जाएगा फिर उसको हम पलट के फिर से दूसरे साइड पे हल्का सा बटर लगा देंगे और जो हमारे पाव हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। तो अभी हमारे पाव और भाजी दोनों रेडी हैं, तो उसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक बार मेरे बताए हुए इजी मेथड से पाव भाजी जरूर बना के ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। So thanks again for watching all my videos, and if you like them please click on the like button, share with your friends and subscribe to my channel.